प्रकाश में लाने के लिए दीपक को प्रतीकात्मक रूप से समझ ले जाए बोलो को काश अहम भन्ते श्रीशरणे सापंचशीलम् रामं याचामि अनुभवं पत्वा शीलम् मंच में आ जाइए। दाहिना हाथ आप थाली में रखे इस तरह से आप लड़का कहाँ गए? थाली के ऊपर इस तरह से लड़ी तरफ देखिए। हाँ, इनके हाथ के नीचे अपना हाथ लगाइए, फिर यहीं पे लगा दीजिए, पकड़ लीजिए ऐसे। हाँ, कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। अब लड़की उनके हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। जीवन के इस मोड़ के लिए कदम बढ़ाए आगे थोड़ा सा। इधर जाने दीजिए, लड़के का हाथ ऊपर की तरफ खुली मुद्रा में, दाहिना हाथ, उसके बाद लड़की का नीचे की तरफ मुद्रा में, दाएं हाथ ऊपर, दान यानी कि समर्पण। इस तरह मेरा हाथ देखिए, हाँ इस तरह से। इसके बाद लड़की के पिताजी का हाथ लड़की के हाथ के ऊपर, हाँ ये लड़की की माता वहाँ हाथ लगा लीजिए, हाथ यहाँ पे लगा लीजिए, यही बच्चे हाथ ऐसे हाथ लगा। बैठो ना यहाँ, हाँ अरे यहाँ रख लो ना। हाँ, उसके बाद माइक दिया जाए आपको, मैं जो बोलूंगा हिंदी से आपको बोलना है वही बात, और आप सभी को सुनना है। बारे में सुनना है तो लोग ताली बजाते हैं समर्पण विधि को, और जैसे ही ये विधि संपन्न होगी हाई स्टेप चार पांच स्टेप में आपको ताली बजाना है। जी हाँ, अब बोलना है, बोलिए माइक पास में करिए, त्री रखने की थोड़ा आपके बोलिए, पावन स्मृति एवं धम्म भावना द्वारा उपस्थित समाज के समक्ष बुद्ध धर्म संघ बाबा साहब एवं आप सबको साक्षी मानकर हम उपस्थित समाज के समक्ष बुद्ध धर्म संघ को साक्षी मानकर अपने इनका नाम लीजिए को आपकी त्री पुत्री मीना साकेत को अपने त्रिपुत्र के लिए पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मुझे भी आशा और विश्वास है कि यह धम्म सम्मत रिश्ता विवाह आजीवन बना रहेगा। एक बार जोरदार ताली बजा दी, बोलिए मैं अपनी पत्नी यानी जीवन पल्लवी का सदैव सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। पहली प्रतिज्ञा इन्होंने कहा कि मैं अपनी जीवन संगनी और फर्क समझाऊंगा पत्नी जीवन संगनी में आगे सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, उन्होंने कहा, आप सबने सुना। दूसरी प्रतिज्ञा,
मैं अपनी पत्नी का अपमान न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं कभी भी अनैतिक यानी मिथ्या आचरण न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। चौथी प्रतिज्ञा, मैं सम्यक आजीविका द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। पांचवी प्रतिज्ञा, मैं अपनी पत्नी जीवन संगनी को सदैव अलंकार वस्त्र आभूषण एवं अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं से संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं पुणे से बुद्ध धर्म संघ को साक्षी मानकर आप सबके समक्ष अपनी पांचों प्रतिज्ञाओं को पूर्ण पालन करने का वचन देता हूँ। एक बार जो बात आई बोले एटीएम सत्य मध्यम छोटे एटीएम सत्य मध्यम होते मध्यम भूषा भूषा हमारे पुराने पाठ में करे। हाँ, मैं अपने घर के सभी कार्यों को धर्म सम्मत पूरा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। दूसरा, सुसंगत परिवर्तन भविष्य, मैं परिजन व परिवार के सभी लोगों की धर्म सम्मत देख रेख करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अनिश्चितकालीन भविष्य, मैं मिथ्या आचरण से दूर रहकर अपने पति के प्रति सदैव विश्वास पात्र रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। संभवता रखना परेशान, मैं पति द्वारा उपार्जित धन दौलत को संभालने की प्रतिज्ञा करती हूँ और मेरी पांचवी प्रतिज्ञा है, बोली मेरी पांचवी प्रतिज्ञा है कि घर के सभी कार्यों में निपुण और आलस रहित रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पुनः से बुद्ध धर्म संघ को साक्षी मानकर आप सबके समक्ष अपनी सभी पांचों प्रतिज्ञाओं का पूर्ण पालन करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ये तेन सत्य मध्य जसा